बच्चों, आज हम लोग गाउस लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। बेसिकली बड़ी फंडामेंटल लॉ है फिजिक्स का, जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के काम आता है, जहाँ पे एक चार्ज जो है मल्टीपल चार्जेस के कारण डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की जाएंगे। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। इससे रिलेटेड जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो भी जानेंगे। तो पहला इसका एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना बहुत जरूरी है, वो होता है फ्लक्स। फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, व्हाट इज फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज कीजिए, एक हमने ये इस तरह से एक सरफेस ले ली, रेक्टेंगल सरफेस ले ली। ओके, इस तरह से हमने रेक्टेंगल सरफेस ले ली। अब क्या है, ये अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है और इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की सपोज के लिए ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ से निकलेंगी तो यहाँ ये इस सरफेस से ऐसे निकलेंगी, अंदर से ऐसे आएंगी, ऐसे। इसी तरह से और भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें आप ड्रा कर लेते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड क्या है। तो अब हमें देखना क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है तो फ्लक्स को हम क्या कहते हैं। फ्लक्स में फ्लक्स हम डिपेंड करते हैं इस चीज से, एंड ये इसका एरिया है, इसका जो हमने रेक्टेंगल बनाया है इसका एरिया है। तो फ्लक्स का बेसिकली हम इस चीज से डिनोट करते हैं, ई मल्टीप्लाइड बाई ए, कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस एरिया से क्रॉस हो रही है। ई ये इलेक्ट्रिक फील्ड का E की वैल्यू है, एरिया से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आता है, दिस इज कॉल्ड फ्लक्स। इसको ये कॉन्सेप्ट है फ्लक्स का, ठीक है। तो किसी एरिया से, ये एरिया है, इस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्रॉस हो रही है तो उसको अगर उसके टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो इतना फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पास हुई, जिसको फ्लक्स बोला जाता है। एक तो कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। अब इसको थोड़ा और इसी चीज को थोड़ा मैथमेटिकली और डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें फ्यूचर में जो अभी डेरिवेशन करेंगे वो समझने में आ जाए। तो इसी चीज को हम अब इस तरह से देखेंगे। सपोज कीजिए एक ये इस टाइप का एक एरिया हमने लिया, ठीक है, इस टाइप का एरिया लिया, एंड इसमें हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से जा रही है। सपोज कीजिए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अभी एक ही लाइन बनाते हैं समझने के लिए। तो उसमें क्या करते हैं कि अब एक कॉन्सेप्ट और आता है, एक कॉन्सेप्ट और आता है, इसको हम किस कलर से करें, थोड़ा अलग कलर का लेते हैं। तो ये अगर ये एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया है, एंड इनफैक्ट इसको हम ये स्मॉल एरिया मान के चलते हैं कि डीए लिख लेते हैं, छोटा सा एरिया है, मतलब बड़ी सी सरफेस का छोटा सा एरिया हमने काट लिया है, एंड उसमें इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस टाइप से है जो उससे निकल रही है। तो इस एरिया में एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है। एरिया वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, जो भी एरिया है, जो भी एरिया है उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, उसको एरिया एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को उसके सरफेस के परपेंडिकुलर डिनोट करते हैं, जिसको एरिया वेक्टर हो जाता है, उसको हम कंसीडर करेंगे। तो इस केस में जैसे ये था, ये डीए था, डीए हमने माना है डीए एरिया। तो इसका इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में एरिया को लिखें तो इसका अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी एरिया की। तो ये हो जाएगी इसके 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 परपेंडिकुलर, अगर कोई सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस का, ये सरफेस का परपेंडिकुलर है, और जैसे ये जो पैनल है इस पे परपेंडिकुलर क्या होगा, ऐसे होगा, इस तरह ये सरफेस का परपेंडिकुलर है, एंड इस डायरेक्शन में ये जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, एंड इन दोनों के बीच में अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है,
तो अब देखिए कि इसमें फ्लक्स क्या होगा, इस सिचुएशन में फ्लक्स क्या होगा। अब देखिए ई के दो कंपोनेंट होंगे, एक ई कॉस अल्फा होगा, एक ई साइन अल्फा होगा। तो साइन अल्फा जो होगा तो सरफेस के पैरेलल होगा, तो सरफेस को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो हमें कंसिडर करना है जो सरफेस को ऊपर क्रॉस कर रहा है, सीधे ऊपर जा रहा है। तो ई जो कॉस अल्फा जो होगा वो इसका कंपोनेंट होगा। तो इस केस में जो फ्लक्स फ्लक्स को बेसिकली हम डिनोट करते हैं डी फाई, फाई को फ्लक्स बोलते हैं, केवल इतने पार्ट एरिया के फ्लक्स निकालने तो डी फाई इसको बोला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई एंड ई कॉस अल्फा जो सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, क्योंकि इसका जो ये ई कॉस अल्फा इस डायरेक्शन में होगा, इसको हम डार्क में लिखते हैं, समझ में आए आपको। एक तो कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस अल्फा इधर इस डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में ई साइन अल्फा। तो साइन अल्फा तो सरफेस पे ही है, सरफेस को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो हमें वो कंपोनेंट कंसीडर करना है जो सरफेस को क्रॉस कर रहा है परपेंडिकुलर। तो ई कॉस अल्फा कंपोनेंट दिख लिया आता है, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई डी ए। इनफैक्ट इसको वाइट कर लेते हैं जिससे सिमेट्री बनी रहे। दिस मल्टीप्लाइड बाई डी ए, ये जो इक्वेशन हुई इसको बेसिकली ये फ्लक्स कैलकुलेट करने काम आती, क्योंकि डी फाइव हमने अभी कैलकुलेट किया है, इसमें स्मॉल पार्ट पे कितना फ्लक्स है। अभी देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो कॉस अल्फा है और हमने ये दो वेक्टर कंसीडर कर लिए, ये भी वेक्टर है एंड ये भी वेक्टर है, डी ए भी वेक्टर है, एंड कॉस अल्फा इन दो वेक्टर के बीच, ये हम डी ए के वेक्टर को मान लिया, सपोज कीजिए एन से डिनोट कर देते हैं एन कैप से, तो एंगल अल्फा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। डी ए और ई वेक्टर में अल्फा है, तो ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट हो गया। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है बीच के एंगल का कॉस अल्फा लेते हैं, तो डी फाइव को ई डी ए लिख सकते हैं। ये तो हो गया किसी किसी भी सरफेस के स्मॉल पार्ट से अगर कोई फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए। अब अगर इसी को हम पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट कर दें या तो ये क्या हो जाएगा, फाई क्या हो जाएगा, पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट करोगे तो ई डी ए हो जाएगा। इस तरह से पूरा आप इंटीग्रेट कर दिए, ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए मीन्स ई कॉस अल्फा जाता है, बेसिकली स्केलर क्वांटिटी, अल्टीमेटली जो ये फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी आप क्लियर कर जाएंगे। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है वैल्यू स्केलर में आएगी। अब देखिए ये ई डी ए हो गया। अब अगर इसमें कुछ, ये तो उस टाइप की सरफेस है, सपोज कीजिए हमने ये सरफेस ली थी, ये वाली सरफेस, तो हमने पहले स्मॉल पार्ट लिया था, स्मॉल पार्ट के लिए ये फार्मूला हो गया, फिर हमने पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट कर दिया तो ये फार्मूला हो गया। बट अगर कोई सरफेस इस टाइप की हो, जैसे स्पेरिकल सरफेस हो ऐसी पूरा बंद हो, तो क्लोज सरफेस में इसी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, डिनोशन देखने की कोशिश कीजिए। क्लोज सरफेस में कैसे करते हैं, ये इंटीग्रेशन का पार्ट होता है प्लस ऐसे एक और सर्किल डाल देते हैं, लिख देते हैं इसमें। इसका मतलब है हमने जो इंटीग्रेशन किया है ये पूरे फ्लक्स का, ये पूरे ही सरफेस किया। अगर ये स्पेयर होता तो हमने पूरे सरफेस पे इसके अंदर कोई चार्ज यहाँ पे रखा हुआ था, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रही होती, तो हम पूरे सरफेस पे इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो क्लोज सर मतलब पूरे हमने क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेट किया है, तो उस पर ये भी एक डिनोट करने का तरीका आप सीख लीजिए। इसका मतलब है क्लोज सरफेस, कहीं पे ऐसा लिखा है तो पूरे क्लोज सरफेस पे हमने इंटीग्रेट किया। ये क्लोज सरफेस क्यूब भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या आप कुछ भी जैसे सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। सिलेंड्रिकल आपने पूरा एक सरफेस बनाई, पूरा ये इस टाइप से ये सिलेंडर बनाया, इसके अंदर कोई चार्ज रखा है, पूरे सिलेंडर पे आपने इंटीग्रेट कर दिया, दैट इज आल्सो ए क्लोज सरफेस। तो किसी भी सरफेस पे या क्लोज सरफेस पे फ्लक्स निकालने का ये तरीका है। बेसिकली यहाँ पे आपको डॉट प्रोडक्ट भी लेना पड़ेगा, इसका तो बेसिकली वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस बेसिक कैलकुलस की नॉलेज भी इंटीग्रेशन की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं बट बेसिक सिंपल फार्मूला की। अगर जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं है, वो जो नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी के लिए पढ़ रहे हैं, उसमें
वो भी आप भी थोड़ा बेसिक्स जो है इंटीग्रेशन के जरूर सीख लीजिए। बेसिक जैसे साइन कॉस का क्या होगा, या सिंपल फंक्शंस का, वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर का, या वन अपान एक्स का, या एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन है वो जरूर सीख लीजिए, बड़े काम आएंगे। ठीक है, ये हो गया फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। फ्लक्स क्या है बेसिक, आपने फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया, स्मॉल स्मॉल कंप तो को पूर पर चूंकि अगर वो एरिया इस टाइप का है तो स्मॉल पार्ट पे आप लोगे, फिर पूरा इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरे एरिया पे फ्लक्स निकल आएगा। ये तो हो गया फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। इसी में थोड़ा और डेवलप करते हैं, क्योंकि वो भी यूज आपका बेसिकली इंटीग्रेशन पर्पज से ही आएगा, इसलिए हम उसको बता रहे हैं, अभी मेन गॉस लॉ पे हम नहीं आ रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आता है 3D डायमेंशन में कि सॉलिड एंगल। तो ये सॉलिड एंगल क्या है, अब ये देखते हैं, ये सॉलिड एंगल किसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, कौन सी बला आ गई। तो कोई नई चीज नहीं है, ये आप पहले भी पढ़ते रहे हैं। तो ये क्या है, देखिए इस टाइप से है, जैसे आप अभी तक 2 डायमेंशन में क्या करते थे, 2 डायमेंशन में कोई एक आर्क है ऐसी, 2 डायमेंशन में कोई आर्क थी ऐसी, तो इसमें जो एंगल थीटा होता था इसको कैसे डिफाइन करते थे। अगर ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस क्या है, एस है छोटी सी। ठीक है, तो थीटा को क्या, थीटा एंगल कैसे, जो रेडियन में डिफाइन होता है, ये क्या होता है, एस अपान आर। ये तो आपने प्रॉब्ली पढ़ा ही होगा उसमें मैथ में, ये बाय डिफिनेशन जो रेडियन एंगल हम लिखते हैं थीटा, दैट इज दिस डिवाइडेड बाय आर। इसी तरह से 3 डायमेंशन में अगर आप आ गए, 3 डायमेंशन किस टाइप की सिचुएशन होगी, ये तो हम 2 डायमेंशन में थे, मींस एक प्लेन में खाली एंगल देख रहे हो। 3 डायमेंशन सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि सपोज कीजिए एक स्पेयर है, पूरा स्पेयर है, अभी आप ये सर्किल की पार्ट लिया था, सर्किल की आर्क, पूरा स्पेयर है अगर, तो स्पेयर कुछ इस टाइप से पूरा होगा बड़ा सा। ठीक है, स्पेयर है, तो स्पेयर पे हमने सरफेस पे कुछ इस टाइप से एक एरिया ये लिया, ये स्पेयर की सरफेस ले ली, एंड यहाँ पे इसका ओरिजिन है। ये जो सरफेस से, अब इसके इस सरफेस पे आप इस तरह से अगर हम ये ओ से इस सरफेस के आउटर सरफेस के ये सारे पॉइंट इस तरह से मिला है, ये ठीक है। तो ये जो सरफेस वाला पार्ट हो गया, ये एक एंगल इस पॉइंट पे डालेगा, मतलब सॉलिड एंगल इस टाइप का, मतलब कोन टाइप का बनेगा, ये बेसिकली कोन टाइप का स्ट्रक्चर हो गया कि आपने सरफेस पे एक छोटा सा पार्ट काटा एंड उसको प्रोजेक्ट किया उसके ओरिजिन पे, तो ये कोन टाइप का पार्ट ऐसे ऐसे कोन टाइप का हो जाएगा, वो जो कोन टाइप का, तो ये जो कोन वाला जो ये वाला एंगल है इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो ये बेसिकली जो एंगल है ये 3 डायमेंशन एंगल हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो एंगल होगा ये 3 डायमेंशनल एंगल, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल क्या होता है, इसको इसको थीटा से करते थे, इसको ओमेगा से प्रिंट करते हैं। ये सॉलिड एंगल क्या होगा, अब जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये अगर मान लिया डीए है, तो सॉलिड एंगल डिफाइन करते हैं ये डीए अपान, और ये रेडियस अगर पूरी इसकी आर है, इस स्पेयर की रेडियस आर है, तो डीए अपान आर स्क्वायर, तो ये सॉलिड एंगल हो गया ये। और इसको हम सेम उसमें करते, ये अगर डीएस लिख दें तो ये डीएस हो गया, स्मॉल पार्ट हम मान ले कंसिडर कर लें, तो जिससे कंपेरिजन आसान हो जाएगा। तो 2 डायमेंशन में थीटा क्या होता है, स्मॉल आर डिवाइडेड बाई रेडियस। सॉलिड एंगल क्या होता है, ये एरिया, ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया, ये आप एरिया निकालिए डीए, एंड डिवाइडेड बाई जिस स्पेयर से काटा गया है, जिस स्पेयर का ऊपर का एरिया है उसकी रेडियस से आप स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। ये तो सॉलिड एंगल होता है। इसको और हम विजुलाइज कराने की कोशिश करते हैं, सॉलिड एंगल क्या है, ये बेसिकली हमने स्पेयर में अगर काटा है तो कुछ इस टाइप से बनेगा सॉलिड एंगल, कि
ये कुछ हो गया, ये मान लिया उसका वो था, तो आप ये स्पेयर का ओरिजिन था, सेंटर सॉरी सेंटर था, ये सॉलिड एंगल कुछ इस टाइप से आ जाएगा, एक इस तरफ होगा, यहाँ से पीछे से कुछ एक ये कट करते करते आएंगे, पीछे जो दिख रही होंगी इधर आ जाएंगे, ये इस टाइप से सॉलिड एंगल होगा, जो ये वाला पार्ट, ये एंगल जो बनेगा, थ्री डायमेंशनल जो एंगल दिखाई पड़ेगा, अगर इस तरह से ऐसे करो तो ये थ्री डायमेंशनल एंगल नीचे से बन रहा है, ये सॉलिड एंगल हो गया। ये बेसिकली हो जाता है ये डीए, ये अगर डीए है, ये डिस्टेंस आर है, रेडियस है, तो डीए अपॉन आर स्क्वायर इज सॉलिड एंगल। तो प्रॉब्ली ये कॉन्सेप्ट आ गया, तो इसमें थोड़ा सा एक और हम हल्का सा वेरिएशन बता दें, जो बाद में जो वेक्टर और उसके लिए वेक्टर कैलकुलेशन है, डिफरेंस और इंटीग्रेशन भी है, तो वो काम आएगा। इसी में अगर ये देख लें, इसी में अगर हम ये देख लें, अभी तो मैंने अभी जो पहले थीटा देखेंगे, थीटा का ही जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था, अभी हमने क्या बताया था कि जैसे ये है और ये कोई आर्क है, ये है, ये थीटा है, तो थीटा क्या बेसिकली था, ये आर था, ये कोई डिस्टेंस मान लिया डीएस है, तो डीएस अपान आर इज थीटा, डीएस अपान आर इज थीटा, ये उस सिचुएशन में है कि जहां पे मोस्टली जो ये लाइन है, ये लाइनें जो बन रही हैं, ये जो हम सेंटर से यहाँ पे लाइन लाते हैं, ये आर्क पे लगभग परपेंडिकुलर हर जगह है, इस टाइप की सिचुएशन के लिए है, ठीक है। बट अगर सिचुएशन कुछ इस टाइप की हो, अगर सिचुएशन इस टाइप की हो कि सपोज कीजिए ये सेंटर है और कुछ इस टाइप का एक है पार्ट, फिर आप ऐसे निकालना चाह रहे हैं ये ऐसे, तो अब थीटा यहाँ पे कैसे निकालोगे, अब थीटा कैसे निकालोगे, थीटा इसमें कैसे निकालते हैं कि अगर हम यहाँ से इससे एक पर ये जो है इसका मिडिल पॉइंट जो है, इसके मिडिल पॉइंट से ऐसे हम मिलाएं, इतने पार्ट के मिडिल पॉइंट से अगर इसको मिलाएं, एंड फिर हम देखें, बड़े ध्यान से समझिएगा, फिर अगर देखें हम इस पे अगर इस लाइन पे अगर परपेंडिकुलर हम ये खींचे, परपेंडिकुलर इस तरह से खींचे, तो जो हमने यहां से ये इसके मिडिल पॉइंट से मिलाया था और ये परपेंडिकुलर है, इसके बीच में जो एंगल है, सपोज कीजिए ये अल्फा है, ठीक है, अगर ये अल्फा है और हम ये मान के चल रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस ये डीएस है, ठीक है। अब डीएस का हम बेसिकली वो कंपोनेंट प्रिज्यूम करेंगे, क्योंकि आर्क लगभग परपेंडिकुलर है, तो ये वाला बेसिकली पार्ट हम निकालने की कोशिश करेंगे कि डीएस का एक ये वाला पार्ट जो होगा, ये वाला पार्ट कंसिडर करेंगे, इस मान डीएस का ये वाला पार्ट कंसिडर करेंगे जो हमने मोटा मोटा, ये कैसे हो जाएगा, अब ये डीएस है, ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा, ये डीएस है, ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा हुआ यहाँ पे, और ये भी अल्फा हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये दिस कास अल्फा इज दिस, एंड ये जो पार्ट है इसका कास अल्फा इज दिस, आप विजुलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम फिर से देख लेते हैं, नहीं तो फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये वाला पार्ट कंसिडर करना है, तो ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा हो गया, तो ये भी अल्फा हो गया, और ये भी अल्फा हो गया, तो डीएस के दो पार्ट है, ये डीएस का पार्ट है, ये डीएस का पार्ट है, तो ये क्या हो गया, ये डीएस का अल्फा हो गया, ये वाला सॉरी डीएस का इस पार्ट का कास अल्फा ये हो गया, डीएस के इस पार्ट का कास अल्फा हो गया, तो ये जो है ये हमारी लाइन हम ए बी कर लें, तो ए बी क्या हो जाएगी, ए बी इज डीएस कास अल्फा। तो बेसिकली अगर हम कोई लाइन इस तरह से जो स्लैंटिंग लाइन कंसिडर कर रहे हैं, तो स्लैंटिंग का हम बेसिकली ये कंपोनेंट कंसिडर करेंगे, तब थीटा के वैल्यू निकालेंगे, तो बेसिकली थीटा क्या हो जाएगा, डीएस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय व्हाट एवर डिस्टेंस इज आर, ये वाली डिस्टेंस आर,
क्योंकि मैं इसको यहाँ पे भी आर लिख सकता हूँ, ये भी आर लिख सकता हूँ, क्योंकि हम बड़ा स्मॉल एलिमेंट को यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये आर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ वाले को भी आर कंसिडर कर सकते हैं, बट बेसिकली बड़ा स्मॉल है इसलिए हम उसको छोटे डिफरेंस को निगलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये स्लैंटिंग लाइन है तो उसका हम, और वो स्लैंटिंग लाइन ओरिजिन से यहाँ के बीच में जो लाइन बन रही है उसमें अल्फा एंगल बना रही है, तो वो जो कंपोनेंट इस लाइन का कंपोनेंट जो इस टाइप का होगा, इस मेटल वाली लाइन से परपेंडिकुलर होगा, उसको कंसिडर करते हैं और डीएस ट्रांसफर हो जाता है, तो उसमें एंगल थीटा हो जाता है। इसी तरह से हम सॉलिड एंगल के लिए भी करेंगे। अब सॉलिड एंगल के लिए कैसे करेंगे, अभी तो हमने बोला था कि सर्कुलर पे आपने वो कर लिया, सर्कुलर का सॉरी वो इसका किसका बोलते हैं, ये स्पेयर की आपने सरफेस काट ली और उसका जो प्रोजेक्शन उसके सेंटर पे हो रहा है वो सॉलिड एंगल हो गया। पर अगर वो सरफेस स्पेयर वाली ना हो, स्पेयर वाली तो सरफेस अगर आप स्पेयर के सेंटर से स्पेयर के किसी भी पॉइंट में मिलाओगे तो परपेंडिकुलर आता है, तो सरफेस के उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा। बट अगर सरफेस कहीं पे इस टाइप से, ये सपोज कीजिए सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है, तो सरफेस का जो परपेंडिकुलर है आपने ले रखा है, ये सरफेस का परपेंडिकुलर है, ये सरफेस हमने डीए ले रखी है, ठीक है। एंड यहां पे क्या है, अगर ये हम इस पॉइंट्स को ओरिजिन ले लें यहां से सरफेस के, तो यहां से परपेंडिकुलर डाला इस पे, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ओपी कर लेते हैं, ये ओपी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में जो एंगल है ये अल्फा, ये डीए वेक्टर का ये हो गया, और ये हमने ओरिजिन से एक यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे से मिलाया, तो वो जो डायरेक्शन है वो उसके उसके बीच में अल्फा है, एंगल है। तो हम बेसिकली वही उसी तरह इसका कौन सा कंपोनेंट लेंगे, उसका वो कंपोनेंट लेंगे जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, वो वाला कंपोनेंट लेंगे। तो ऐसे केस में हम जो डी ओमेगा लेते हैं स्मॉल, या ये जो फॉरेन एंगल वो क्या हो जाएगा, डीए डीए कास अल्फा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो गई यहां से लेके आर तक, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या है इसमें दिखाने की कोशिश की, हमने छोटा सा एरिया काटा ये वाला, ओरिजिन से हमने वहां पे उसके मिडिल पॉइंट से मिलाया, तो वो जो डायरेक्शन जा रही है और ये सरफेस की डायरेक्शन जो है, सरफेस की डायरेक्शन हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है, उसके बीच में अंदर अगर अल्फा है तो उस केस में सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, डीए कॉस अल्फा अपन आर स्क्वायर, क्योंकि हम इस डिस्टेंस के, ये डिस्टेंस है तो इसके परपेंडिकुलर ऑफ सरफेस हम कंसिडर कर रहे हैं जैसा स्पेयर में होता है। तो ये डीए कॉस अल्फा उसका, ये डीए कॉस अल्फा इधर, इसका परपेंडिकुलर जो सेक्शन इधर हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर डीए कॉस अल्फा हो जाएगा, तो डीए कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये पार्ट बेसिकली हम कंसिडर करेंगे इस तरह से। ये भी बाद में जब हम फर्दर प्रूफ दिखाएंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि हमने सॉलिड एंगल को ये इतना डिटेल में सॉलिड एंगल को समझाने की कोशिश क्यों की। अब आता है कि गाउस लॉ, तो गाउस लॉ, गाउस साहब ने उसको डिराइव किया था, और ये बड़े मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने अलजेब्रा में, नंबर थ्योरी में, प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे काम किए हैं, और फिजिक्स में भी इन्होंने ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा ना, इंडिपेंडेंटली इन्होंने भी इन्वेंट किया था, और भी साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, बट इनको क्रेडिट देते हुए इस लॉ का नाम गाउस लॉ रखा गया। अब गाउस लॉ है क्या, अब ये देखते हैं गाउस लॉ है क्या। तो इसको समझने के लिए फिर हम वही करेंगे कि हम सपोज कीजिए एक सरफेस इस तरह से छोटी सी सरफेस काटी, अब उसमें क्या है, हम एक चार्ज यहाँ पे सपोज कीजिए क्यू है, ठीक है, एंड क्यू के चारों तरफ हमने क्यू एक इसका छोटा फॉर्म यहाँ पे लिख रहे हैं, ये क्यू है, एंड क्यू के चारों तरफ हमने कुछ इररेगुलर सी थ्री डायमेंशनल सरफेस को हम कंसिडर कर रहे हैं, ये इररेगुलर है, तो उस इररेगुलर सरफेस का हमने एक छोटा सा पार्ट जो है, इररेगुलर का छोटा सा पार्ट अगर हमने ऐसे कंसिडर कर लिया, ये इररेगुलर सरफेस का छोटा सा पार्ट है,
वो चीज को मैं यहां दिखा रहा हूं, ये इररेगुलर सरफेस का छोटा पार्ट ये है, ठीक है। अब देखिए ये इसका अगर एरिया डीए है, इसका एरिया डीए है, ठीक है, और इस सरफेस के ऊपर अगर परपेंडिकुलर हम बनाए तो कुछ इस टाइप से जा रहा है, ये है सरफेस का परपेंडिकुलर है, एंड इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कूलाम्स ला बेसिकली गॉस ला से पहले आ गया था, तो देयर इज चांस प्रोबेबल है सोचता कि कूलाम्स ला से गॉस ला को डिराइव किया गया हो, बट वी डोंट नो कैसे हो, बट यहाँ पे हम कूलाम्स ला से गॉस ला को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है किसी चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, क्या होगी, क्यू अपान आर स्क्वायर 1/4πε0 होती है, एंड इसकी डायरेक्शन सीधे रेडियली होती है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ इस टाइप से होगी E, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इस डायरेक्शन में, एंड ये जो हम छोटा सा सरफेस एरिया कंसिडर करें तो सरफेस एरिया का जो हम वेक्टर कंसिडर करते हैं उसके उसके सरफेस एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर की तरफ कंसिडर करते हैं, तो ये सरफेस एरिया का वेक्टर हो गया एंड ऊपर हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, और ये हो गया ई, इनके बीच में एंगल अल्फा है। तो अब देखिए अगर बीच में एंगल अल्फा है तो ये जो सॉलिड एंगल हुआ ये क्या हुआ, ये बीच में एंगल, सॉरी सॉलिड एंगल क्या, हम सीधे फ्लक्स निकालते हैं, ये इस सरफेस पे टोटल फ्लक्स क्या हुआ, जो फ्लक्स का हम कॉन्सेप्ट शुरुआत में बता चुके हैं, तो ये हम भी डी फाइव फ्लक्स इस छोटे से एरिया के कारण फ्लक्स क्या हुआ वो निकालेंगे, वो क्या हो गया, ये हो गया ई ई डॉट डी ए हम अगर उसमें लेते हैं, और ये हमने कहा था ई कास अल्फा डी ए, ये हो गया ई कास अल्फा डी ए हो गया, क्योंकि ई और डी ए का जो वेक्टर है दोनों के बीच में एंगल अल्फा है। अब ई की वैल्यू हम यहां से लिख देंगे 1/4πε0r²³ लिखा, एंड ई की वैल्यू हो गई, फिर हमने कास अल्फा लिख दिया एंड डी ए लिख दिया, ठीक है, इतना हमने लिखा। अब इसकी देखिए क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, हम लिखते हैं 1/1/9 इसको हम ऐसे लिखते हैं क्यू अपान एफ साइलन, तो इधर लिख दिया, बाकी जो बचा डी ए का सल्फा न्यूमरेटर में, नीचे हम लिखा है 4π r² ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए ये फर्दर और हमने क्यू अपान एफ साइलन 4π ये हो गया डी ए कास अल्फा अपान आर स्क्वायर। अभी डी ए कास अल्फा अपान आर स्क्वायर क्या था, डी ए कास अल्फा अपान आर स्क्वायर क्या था, ये देखिए डी ए कास अल्फा अपान आर स्क्वायर इस केस में अगर ये इस केस में अगर ये जो हमने भी सॉलिड एंगल का कांसेप्ट बताया था, ये अगर सॉलिड एंगल जो है ये सॉलिड एंगल अगर डी ओमेगा है, ये डी ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, डी ओमेगा की वैल्यू क्या बताई थी, डी ए कास थीटा जो एरिया है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो क्या हो जाता है डी ए कास अल्फा एंड डिवाइडेड बाई इस ये जो डिस्टेंस है इसका आर स्क्वायर, ये तो मैंने बताया था, ये सॉलिड एंगल ये हो गया ओमेगा, तो ये बेसिकली यही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसका मतलब ये क्या है, ये क्यू अपान एप्सिलॉन हो गया क्यू अपान एप्सिलॉन ऊपर हो गया डी ओमेगा डिवाइडेड बाय 4π, डी ओमेगा मतलब ये एरिया कितना सॉलिड एंगल यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है, तो ये तो अब डी फाई था, ये तो डी फाई था, ये तो था डी फाइव,
डी फाई था इतना, तो फाई कितना हो जाएगा? फाई क्या हो जाएगा कि आप डी फाई को पूरा इंटीग्रेट कर ले, किसमें इंटीग्रेट कर ले, इस सरफेस पे। ये जो सरफेस थी, इस पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट में कर रहा हूं, क्लोज सरफेस मैंने, मतलब अब वो ऐसे करके कुछ भी क्लोज, आप वो स्पेयर भी हो सकता है या कोई भी टेढ़ी बड़ी सरफेस होती है जिसके अंदर आपने इस चार्ज को क्लोज किया है, तो हम इसको क्लोज सरफेस मानते हुए इसको पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, एंड डी ओमेगा। अब देखिए तो डी ओमेगा है क्या, है कि पूरी सरफेस जो है, ये पूरी सरफेस यहां पे कितना सॉलिड एंगल वो करेगी, पूरी सरफेस तो सॉलिड एंगल कैसे करेगी, जैसे इसमें होता था कि पूरा 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 सर्किल जो है ये अपने सेंटर पे कितना एंगल वो करता है, 2 पाई, 2 पाई। उसी तरह से पूरी सरफेस अगर हम अभी स्फीयर वाली सरफेस लें तो वो कितना एंगल एंगल पूरा यहाँ पे डिनोट करते हैं, अगर इसको हम स्फीयर मान लें भी, फिलहाल में ये स्फीयर है तो ये क्या हो जाएगा, टोटल एरिया 4 पाई r² डिवाइडेड बाय r². तो क्या होता है कि जो स्फीयर है, स्फीयर जो है वो सेंटर पे पूरा का पूरा जो सॉलिड एंगल आता है वो 4 पाई आता है। जैसे यहाँ 3 डायमेंशनल में सॉलिड एंगल 4 पाई आता है, 2 डायमेंशनल में जो एंगल का पूरा होता है वो 2 पाई होता है, सर्किल के सेंटर पे पूरा का पूरा जो, अगर यहाँ से यहाँ चलो तो पूरा 2 पाई आता है, यहाँ पे ये 4 पाई चीज सॉलिड एंगल 4 पाई बोला जाता है। तो ये तो हो गया 4 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज आएगी कि जब आप पूरा हम इंटीग्रेट कर रहे हैं पूरी सरफेस पे, ये क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये क्यू अपान एप्सिलॉन 4 पाई, नीचे कांस्टेंट ही था, ये हम डी ओमेगा को पूरे हम सरफेस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन 0 4 पाई, एंड ये पूरा जो पूरी सरफेस का जो उसके किसी पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल होगा ये भी 4 पाई हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो अल्टीमेटली ये डिफिनेशन क्या, ये आया क्या, ये फाइनल आया, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो ये आ गया, इसका मतलब हम अगर इसको पूरा उसमें फॉर्म में लिखे तो टोटल फ्लक्स हमने क्या क्या था, हमने निकाला था ई डॉट डीए, इंटीग्रेट किया था पूरी सरफेस पे, दिस इज इक्वल टू की ओपान एप्सिलॉन 0। तो टोटल फ्लक्स इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी डिस्टेंस, आर पे डिपेंडेंट नहीं है। देखिए इसी को बोला गया गाउस लॉ, इसी को बोला गया गाउस लॉ कि टोटल फ्लक्स अगर आप किसी क्लोज सरफेस से निकालें जिसके अंदर चार्ज क्यू है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये हुआ गाउस लॉ। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसको थोड़ा हम और एक्सप्लेन कर देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहां पे तो हमने एक चार्ज लिया था, सिचुएशन ये भी हो सकती है कि एक चार्ज यहाँ Q1 हो, एक Q2 हो, एक Q3 हो, एक बाहर Q4 हो, एंड हमने कोई ऐसी सरफेस यहाँ पे ली, ठीक है। अब इस सरफेस पे हम इसके ऊपर अगर हम फ्लक्स निकाल रहे होंगे, इस सरफेस पे फ्लक्स निकाल रहे होंगे तो इस फ्लक्स निकालने में क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 के कारण होगी, कुछ Q2 के कारण होगी, कुछ Q3 के कारण होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड कुछ Q4 के कारण भी होगी क्योंकि बाहर से भी आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जर्व कीजिएगा, Q4 की इलेक्ट्रिक ये ऐसी होगी, मान लीजिए E4 होगी, ये E4 Q4 की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, E4 होगी, Q1 की कुछ ऐसे होगी, E1 होगी, Q2 की भी इस तरह से E2, इसके चारों तरफ E2, E2, E2 इस तरह से होगी, इसी तरह ये भी E1, E1 भी चारों तरफ होगी, Q3 की भी ऐसे होगी, ऐसे ऐसे चारों तरफ Q3 होगी। तो जब फ्लक्स आप निकालोगे
तो फ्लक्स क्या निकलेगा कि फ्लक्स क्या होगा, इस केस में टोटल फ्लक्स आप अगर निकालने की कोशिश करोगे तो आप विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए, ऐसे होगा कि एक फ्लक्स होगा E1, E1 dA हो जाएगा, ठीक है, दूसरा फ्लक्स हो जाएगा E2 dA, तीसरा हो जाएगा E3 dA। एंड इसके कारण भी होगा क्योंकि ये फ्लक्स भी जो है ये एरिया से निकल रहा है। ओनली थिंग क्या होता है, जो कि जो जब E1 और ये बाहर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये E1 भी इसी डायरेक्शन में है और इसका जो एंगल भी है, जो जो सरफेस होगी वो भी इसी डायरेक्शन में, जो थीटा एंगल होगा कॉस थीटा वो 90 डिग्री से छोटा होगा, बेसिकली ये पॉजिटिव ही रहेगी। बट अगर सपोज करो यहाँ पे ये क्या, यहाँ सिचुएशन क्या होगी, ये एंगल अंदर की तरफ जा रहा है, ये जो E4 है ये सरफेस के अंदर इंटर कर रहा है, एंड इस केस में ये जो सरफेस का परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन में होगा, तो इनके बीच में जो एंगल होगा ये स्पेशली 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू माइनस में होगी जब जब डॉट प्रोडक्ट आप लोगे, तो यहाँ पे ये माइनस एंगल हो जाएगा। जब सरफेस आप सरफेस के अंदर जा रहा है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका जो आप फ्लक्स निकालते हो माइनस में आता है। पर एनीवे वो जो डॉट प्रोडक्ट करो उसे आपको समझ में आ जाना चाहिए, बट फिजिकली अगर आप विजुलाइज करना चाहते हो जब सरफेस के अंदर जा रहा है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो उसके कारण जो आप फ्लक्स निकलेगा वो माइनस में होगा, एंड बाहर आ रही तो पॉजिटिव होगा। तो इसका भी फ्लक्स हम E4 का भी फ्लक्स यहाँ पे कंसिडर करेंगे, E4 का भी फ्लक्स कंसिडर करेंगे पूरी सरफेस पे, टोटल फ्लक्स ये होगा। बट वनली इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, टोटल फ्लक्स तो यही होगा बट ये चीज जो है इधर, टोटल फ्लक्स तो यही होगा बट इधर जो ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन लिखा था इसमें खाली Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आएगा। ये थोड़ा हम माइक्रो लेवल पे चले गए इसको समझाने के लिए, फ्लक्स तो आप फ्लक्स में तो हर तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आ रही है, अंदर अंदर के चार्ज के कारण किस कारण वो आप उसको कंसीडर करोगे, बट जो चार्ज है वो चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर के ही कंसीडर करोगे, वो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, एक उसमें हम ये नेट चार्ज अंदर का ही कंसीडर करेंगे, तो वो हमेशा इस चीज को सेटिस्फाई ये करेगा। इसका आई थिंक अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, तो इसके बाद हम लोग अगले, आपकी कोई क्वेरी हो तो क्वेरी भी आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और इसका आप गॉस लॉ का हम यूज करके देखेंगे बहुत सारी सिचुएशन में, जैसे स्पेयर में सिलेंडर के, सिलेंडर अगर कोई वो है जिसपे चार्ज है तो उसका उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कैपेसिटर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट उसमें कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कहाँ पे होगी बाहर कहाँ होगी ऐसी होगी, एक कोई सीट है सीट पे अगर चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे आप डिस्टेंस पे जाओगे तो कैसे निकलेगी, ये सारी चीजें गॉस लॉ से निकल आएंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होते हैं, तो उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।